हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले दिल्ली बिटकॉइन लिमिटेड कंपनी के बारे में। एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई है, तो उस न्यूज के चलते हुए मार्केट में इसमें शेयर का जो मोमेंटम है आज इसमें बहुत ही बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो इसके पीछे रीजन क्या था, तो उन सब चीजों के बारे में बातचीत करने वाले हम ये वीडियो में। सो वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए हर दिन एक अच्छी से अच्छी कंपनी का शेयर एनालिसिस ला सके। उसके साथ साथ में मार्केट रिलेटेड कोई भी अपडेटेड न्यूज होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जो न्यूज आई है वो आई है दिल्ली बिटकॉइन लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो उसका जो मेन जो काम है वो मैं पहले बता दूंगा। ये कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी है, जिसका जो मेन जो काम है वो किसके अंदर है, एक्सप्रेस हाईवे हो जाते हैं या फिर कोई स्ट्रीट या फिर कोई ब्रिज, उसका जो भी कंस्ट्रक्शन होता है इस कंपनी का उस सेक्टर के अंदर काम है। उसके थ्रू कंपनी का बिजनेस एज वेल एज बिजनेस प्रॉफिट ये कंपनी कमाती है। सो न्यूज़ ये कि दिल्ली बिटकॉइन लिमिटेड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज L1 बीडर फॉर अ न्यू हेम्प प्रोजेक्ट। बैंगलोर टू चेन्नई का जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है अंडर भारतमाला इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, उसका प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिला है। और वो ऑर्डर की जो ऑर्डर बुक है वो कितने करोड़ की है, 1060 डेट इज 1060 करोड़ रुपीज का उसका पूरा वैल्यूएशन निकल कर आता है। सो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी बात है कंपनी को। रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले कोई और एक ऑर्डर मिला था, लगभग 1000 करोड़ के आसपास था वो, और 2-3 दिन के बाद आज फिर से इस कंपनी को एक और प्रोजेक्ट मिला है कंपनी को काम करने के। तो मेरे हिसाब से इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर कुछ ऐसा है जैसे कि ये बहुत लो बिडर, मतलब कम बिड में बहुत ही अच्छा काम कंपनी कर रही है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर अभी भी हम इसके इस शेयर को सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से अगर हम कंपेयर भी करते हैं तो सेक्टर का जो पी है वो है 44.42 और शेयर का पी रेशियो कितना है, सिर्फ 25.5। अगर आप करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देखोगे तो इस शेयर के अंदर आपको ज़्यादा वैल्यूएशन देखने को ज़रूर मिलेगा। बट फिर भी मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी हो सकती है। सेक्टर का जो पीबी निकल कर आता है वो है 4.37 और शेयर का पीबी रेशियो कितना है, सिर्फ 2.76, जो कि आपको सेक्टर के मुकाबले बुक वैल्यू के हिसाब से ये शेयर आपको काफ़ी सस्ता मिल रहा है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड 0.93% और इस शेयर का डिविडेंड यील्ड कितना है, 0.14%। हालांकि एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 9123 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है और स्टॉक रैंकिंग है इसकी 288 पे इसकी रैंकिंग है। कंपनी की अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इज टॉप लाइन एज वेल एज अगर बॉटम लाइन की अगर हम बात भी कर लेते हैं, 2017 से लेकर 20 तक कंपनी का बिजनेस आपको एक अच्छे खासे ग्रोथ में, अच्छे खासे ट्रेंड में, आपको बढ़ते हुए ट्रेंड में नजर आ रहा है। अगर मैं 2019 को 20 से भी कंपेयर करना चाहूँ तो 2019 में जब कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था 9460 करोड़ रुपीज़ का, जो कि 2020 में बढ़कर हो चुका था 9830 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ तो हर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ ही रहा था, बट 2020 में अगर मैं बात करूँ तो 350 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, जो कि 2019 में था 550 करोड़ रुपीज़। यू ऑल्सो नो दैट 2020 में कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी थी उसमें डाउन ट्रेंड इसलिए आया क्योंकि कंपनी को बहुत ज़्यादा टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी को संभालने पड़े थे। अगर मैं करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से बात करूँ तो आज इसने क्लोजिंग दी है 1.85% के अपवर्ड मूवमेंट के साथ 12.35 रुपीज़। हालांकि आज मार्केट बहुत ही ज़्यादा डाउन था, बहुत ही खतरनाक आज मार्केट गिरा है। ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा है और लगभग 14500 का जो लेवल था वो भी निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। बावजूद इस शेयर के अंदर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। हर शेयर बहुत ही गंदी तरह से नीचे गिरे थे बट इस शेयर का जो प्राइस है वो 1.85% के अपवर्ड मूवमेंट के साथ बंद हुआ है। अगर मैं इसके 5 ईयर हाई की बात करूँ तो वो है 1247.5 रुपीज़ के आसपास, जो कि अभी भी आपको ये शेयर ऑलमोस्ट 90% डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मेरे हिसाब से आप करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से भी शेयर को बाय कर सकते हो। हालांकि अगर आपको आपने इस शेयर को पहले से खरीद रखा हो तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास 10, 20, 100 क्वांटिटी भी हो तो आपका जो पहला टारगेट होगा इस शेयर को बेचने का वो मेरे हिसाब से आराम से 800 या फिर 780 का टारगेट रख के आप इस शेयर को होल्ड कर सकते हो। सो होप करता हूँ कि आपको दिल्ली बिटकॉइन लिमिटेड कंपनी के बारे में भी जो मार्केट में जो न्यूज़ आई है उसका आपको अच्छे से नॉलेज मिल गया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड या फिर इस कंपनी रिलेटेड कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी भी हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो थैंक यू।